उस दूसरी चाबी को तुम्हें खुद लाना होगा, जो बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी हिफाजत एक बड़ा दानव करता है। क्या वो दानव पिराना से भी ज्यादा खतरनाक है? इस सवारी का तो अलग ही मजा है सरदार, ऐसा लग रहा है कि मैं समुंदर में मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। राजकुमारी मरीना, आप उन्हें रोक सकती थी सीधा मौत के मुंह में जाने से। उन्होंने मेरी जान बचाई थी तो मैं उनकी बातों को कैसे टाल सकती थी? मुझे नहीं लगता कि वो हाइड्रा को हरा कर दूसरी चाबी तक पहुँच पाएंगे। भूरा तो अपनी सवारी संभाल ही नहीं पा रहा है। भूरा, ये सवारी उल्टा काम करती है। अगर तुझे इसे तेज चलाना हो तो इसे बोल धीरा चलने के लिए, और अगर धीरा चलाना हो तो बोल तेज चलने के लिए। समझा? समझ गया मालिक। सरदार वहाँ देखो, वहाँ पर एक व्हेल मछली है। कहीं ये वही तो व्हेल मछली नहीं है जो हमारे नाव को समुद्र में डुबोया था? मुझे तो वही लग रही है। अगर ये वही है तो भागो जल्दी। अब तुझे क्या हो गया? व्हेल पास आती जा रही है, चल जल्दी 80 की स्पीड पकड़ ले। मैं भी गधा हूँ, इसे धीरा बोलना होगा तब तेज भागेगी। चल 0 की स्पीड पकड़ ले। सरदार भूरा कहीं नहीं दिख रहा और उसकी सवारी अकेले ही चल रही है। ये भी गधा हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है। बाप रे, 0 की रफ्तार तो काफी तेज है। मेरी सवारी, मेरे पास मत आना। सीधा चल 10 की स्पीड से। अबे उधर नहीं, तुझे सीधा चलने के लिए बोला था, व्हेल के मुंह में जाने के लिए नहीं। अरे भूरा, तुम व्हेल की तरफ क्यों जा रहे हो? अबे भूरा, तू वहाँ क्यों जा रहा है? वो तुझे पूरा का पूरा निगल जाएगी। मैं नहीं जा रहा, ये लेकर जा रही है मुझे। मुझे बचा लो सरदार। अबे उसे बोल सीधा चलने के लिए, तब वो उधर नहीं जाएगी। अब बहुत देर हो गई है, मर गए। भूरा तो व्हेल का खाना बन गया। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। आ गई उम्मीद की रोशनी, नजर आ गई। भूरा अच्छा आदमी था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ भी रहे खुश रहे। चलो, हमारा एक साथी कम हो गया। सरदार रुको, मुझे कुछ अजीब नजर आ रहा है। वह क्या बात है, अंधेरे से वापस उजाले में आ गया। ये कहाँ से निकल रहा है? सरदार, मुझे भी बैठा लो अपनी सवारी पे। अब मैं उस पर नहीं बैठूंगा, मरते मरते बचा हूँ। मैं नहीं बैठाऊंगा, तुझे उस पर ही बैठना पड़ेगा। चलो सब। चल, थोड़े आराम से चलना। हमारे पास से इतना तेज क्या गया? भूरा गया और कौन, वो गधा अभी भी चलाना नहीं सीखा। मम्मी बचाओ, ये कहाँ लेकर आ गया मुझे? अब ये कौन सा जीव है? बाप रे, इस भयानक जीव के तो कई मुंह हैं। जल्दी यहाँ से निकल ले रे भूरा, नहीं तो व्हेल से तो बच गया, पता नहीं इससे बच पाऊंगा कि नहीं। Huh?
ही बार में उसे निगल गया। शुक्र है कि वहाँ से मैं वक्त रहते ही निकल गया। मुझे ये बात सरदार को बतानी होगी। इतना बड़ा केकड़ा? सरदार आगे मत जाओ, वहाँ पर एक भयानक जीव है जिसके कई सारे मुंह हैं। वो एक ही साथ में हम सबको चबा जाएगा। क्या बक रहा है बे? और तू ये इतना बड़ा केकड़ा कहाँ से पकड़ लाया? मैं बक नहीं रहा सरदार, वो बहुत ही खतरनाक है। मेरी सवारी को एक ही झटके में पूरा निगल गया। सरदार भूरा सही कह रहा है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। चुप। मुझे लगता है कि वही हाइड्रा है। अगर वही हाइड्रा है तो हमें वहाँ जाना चाहिए सरदार। तुम्हें वहाँ जाना है तो जाओ, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने वाला। तो ठीक है, तुम यहीं रहो, हम तो वहाँ जा रहे हैं। चलो, मैं अकेले रह लूँगा। हाँ, एक बात भूलना मत, उधर पिराना है जो काटती कम नोचती ज्यादा है। मैं भी आ रहा हूँ सरदार, रुको। कितना डरावना जगह है। देखो सरदार, वो रहा मॉन्स्टर, वहाँ पर सोया हुआ है। यहाँ पर तो दूसरी चाबी कहीं नहीं दिख रहा। जलपरी ने बोला था हाइड्रा दूसरी चाबी की हिफाजत करता है, तो चलो बिना उसे जगाए सब अलग अलग होकर चाबी को ढूंढो। यहाँ आसपास तो चाबी है ही नहीं, चलकर हाइड्रा के पास ढूंढता हूँ। अगर उस जलपरी की बात सही है तो चाबी यहीं कहीं होनी चाहिए। अरे भूरा, वहाँ चल, मुझे लगता है कि चाबी वही है। वहाँ पर तो मॉन्स्टर है, मैं नहीं जाऊँगा। सरदार को कहूँ? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। जब ओखर में सर दिया है तो मूसर से क्या डरना। भूरा, तुम उसका पूंछ उठाकर देखो, चाबी को वही होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि चाबी वही है? अंडा कहाँ होता है? कहाँ होता है? मुर्गी के पिछवाड़े के नीचे, उसी पर ही मुर्गी सोती है। तुम तो बहुत होशियार हो यार। मैं उसका पूंछ उठाकर देखता हूँ। पूरा नाक जला दिया। अरे जल्दी उसे सुलाओ, वो जाग रहा है। मैं कैसे सुलाऊं? बच्चों वाला लोरी गाओ। सो जा मेरे प्यारे बाबू सो जा, मम्मी पापा आएंगे चार खिलौने लाएंगे। सो जा मेरे प्यारे बाबू सो जा। ये तो जाग गया।